दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। आज पोल्ट्री का पार्ट सिक्स प्रस्तुत किया जा रहा है। यह पार्ट सिक्स 2005 में जो बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था उसके पोल्ट्री के प्रश्न और उत्तर का संग्रह है, साथ में कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ भी हैं। तो प्रस्तुत है पोल्ट्री का पार्ट सिक्स। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, इसे पूछा गया है प्रश्न में। इसका उत्तर आपके समक्ष है, अनुच्छेद 19। थोड़ा समझते हैं। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। तो डेफिनेटली अनेक अनुच्छेद हैं इस स्वतंत्रता का अधिकार में, इसी में एक अनुच्छेद है 19(1)(a)। इसके अंतर्गत एक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है जिसका नाम है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कुछ अधिकार हैं, मुख्य अधिकार हैं जो लिखा हुआ है, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, निजी भवन पर झंडा फहराने का अधिकार, शांति का अधिकार, प्रचार करने का अधिकार, पुस्तक लिखने का अधिकार, और भी हैं लेकिन मुख्य लिख दिया इतना ही। यह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो कि अनुच्छेद 19(1)(a) में है। तो आपने देखा यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता भी लिखा हुआ है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी हो जाएगा 19(1)(a) में। सूचना का अधिकार भी इसी अनुच्छेद में हो जाएगा, किंतु ऑप्शन में केवल अनुच्छेद 19 लिखा हुआ था इसलिए इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19। प्रश्न दो, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? कौन हटा सकता है भारत के राष्ट्रपति को? आप उत्तर आप देख लीजिए, संसद। संसद हटा सकती है भारत के राष्ट्रपति को, और हटाने का जो प्रावधान है उसे बोलते हैं महाभियोग। महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान है संसद में। प्रश्न पूछा जाता है महाभियोग का अनुच्छेद कौन सा है, याद रखिए अनुच्छेद 61। महाभियोग अगर चलाना है राष्ट्रपति पर तो उसका कारण होना चाहिए। कारण क्या होगा? अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया है, तभी प्रमाणित तथ्यों के आधार पर संसद का कोई भी सदन महाभियोग शुरू कर सकता है। देखिए, संसद के दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा। महाभियोग की शुरुआत किसी भी सदन में हो सकती है, ध्यान सुनिएगा। अगर राज्यसभा ने महाभियोग की शुरुआत करी है तो राज्यसभा को सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को महाभियोग के बारे में 14 दिन पहले। फिर अगर महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया तो फिर लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा ने भी अगर 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो माना जाएगा कि संसद ने महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दिया और राष्ट्रपति को अपने पद त्याग करने पड़ेंगे। तो ये है महाभियोग और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। प्रश्न तीन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? लघु संविधान कहा गया था इसलिए बोल दिया बिकॉज बाद में बहुत से बदलाव भी कर दिए गए थे, लेकिन जो संविधान संशोधन हुआ था उसे कहा गया था लघु संविधान। तो कौन सा संविधान संशोधन कहा गया था? उत्तर है 42nd नंबर। 42nd नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था यह 1976 में हुआ था। सन भी याद रखेंगे आप हमेशा, 1976 में हुआ, और इतने व्यापक प्रावधान जोड़ दिए गए संविधान में जिसे कहा गया कि लघु संविधान था। 42nd नंबर का अमेंडमेंट, जो प्रावधान जोड़ दिए गए उसे भी देखते हैं। प्रावधान जो जोड़ा गया, हम जो प्रस्तावना हमें याद है उस प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष तथा एकता और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए थे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। उसके पहले एक शब्द नहीं थे प्रस्तावना में। प्रस्तावना के माध्यम 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से ही 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। जो हमें 11 मौलिक कर्तव्य याद हैं उनमें से शुरू शुरू में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे जो 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ दिए गए थे संविधान में। फिर हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या है वह 2026 तक बिल्कुल स्थिर है, चेंज नहीं होगी। अगर लोकसभा के सीटों की संख्या किसी पार्टिकुलर राज्य की 40 है तो 2026 तक 40 ही रहना है, जनसंख्या कितनी ही बढ़ जाए। तो
तो ऐसा ही कुछ हुआ था, सीटों को विधानसभा और लोकसभा सीटों को स्थिर कर दिया गया था शताब्दी अंत अर्थात 2000 के लिए संविधान संशोधन 42 के द्वारा, जो ये बता रहा हूँ 24, 26। इसके बारे में प्रश्न आगे है, स्पष्ट से समझ में आएगा। लेकिन इसी संशोधन के माध्यम से जो सीट्स थे, कहा गया कि 2000 तक बिल्कुल नहीं बदलेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे, 42 अमेंडमेंट के माध्यम से कह दिया गया था। फिर हम जानते हैं कि लोकसभा और विधान जो राज्य विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल 5 साल होता है, होता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के माध्यम से 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था संविधान को। न्यायिक परीक्षण क्या है? तो जो भी कार्यपालिका डिसीजन लेगी, अगर डिसीजन सही नहीं है तो संसद उसे अमान्य घोषित कर देती है। लेकिन कहा गया 42 अमेंडमेंट के माध्यम से कि नहीं, संसद ने जो डिसीजन ले लिया उसे न्यायपालिका अमान्य घोषित नहीं करेगी। दूसरे शब्द में कहें तो घोषित करने के प्रावधान को बहुत ही दुष्कर कर दिया गया कि कोई भी डिसीजन अगर अच्छा नहीं है तो उसे अच्छा नहीं घोषित करना काफ़ी दुष्कर था न्यायपालिका के लिए इस 42 अमेंडमेंट के माध्यम से। 3 विषय हैं यहाँ पे, देखिए, वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण। और भी विषय थे, 3 ही मुख्य हैं। उस वक्त 76 से पहले ये राज सूची के विषय थे और 42 अमेंडमेंट के माध्यम से समवर्ती सूची में ला दिया गया। फिर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेंगे, यह भी बाध्यकारी कर दिया गया 42 अमेंडमेंट के माध्यम से। अभी आप जानते हैं न संसद बड़ी है न कार्यपालिका विधायिका कोई भी बड़ा नहीं है। उस वक्त 42 अमेंडमेंट के माध्यम से संसद को सर्वोच्चता दे दी गई थी। तो देख रहे हैं आप, इतने प्रावधान थे जो जोड़ दिए गए थे, इसलिए कहते हैं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 76 में, यह मिनी संविधान था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। प्रश्न 4 पर पहुँचते हुए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? देखिए, हर राज्य का लोकसभा की सीट की संख्या निर्धारित है और उत्तर के अनुसार जो 2026 है, 2026 तक जितना भी सीट है किसी पार्टिकुलर राज्य का उतना ही रहना है। इसके पूछा जा रहा जनसंख्या का आधार क्या है, तो जनसंख्या का आधार है, इसका जनसंख्या वर्ष है, 1 मिनट, माफ करिएगा। प्रश्न 4 हम देख रहे थे, हमने प्रश्न देखा कि जो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन है यह 1971 जनगणना के आधार पर ही रहेगा, आधारित है, और 26 तक यथावत रहेगा, बदलेगा नहीं। देखिए, इसमें क्या हुआ कि जो भी सीटों का आवंटन होता है इसे परिसीमन कानून, परिसीमन आयोग परिसीमन कानून के माध्यम से निर्धारित करती है। तो 2002 में कानून आया, परिसीमन कानून 2002, इसमें जो 71 था उसे बदल दिया, कहा गया कि 2001 की जो जनगणना होगी उसी के आधार पर सीटों का आवंटन जारी रहेगा 2026 तक। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न एक्चुअली 2005 का है और परिसीमन कानून जो 2002 लागू हुआ था 2008 में। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि जो अभी वर्तमान जो परिसीमन कानून है उसके अनुसार जनगणना वर्ष है 2001। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन से विशेष समवर्ती सूची में है? आपने देखा था जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, लघु संविधान, उसमें कहा गया 3 विषय वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था, तो शिक्षा अभी भी समवर्ती सूची में ही है। फिर आगे 6 प्रश्न है, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का अगर चुनाव कराना है तो निर्णय कौन लेता है? उत्तर है राज्य सरकार। क्यों लेती है राज्य सरकार निर्णय? क्योंकि पंचायत राज्य सूची का विषय है, आप जानते हैं राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार को निर्णय लेना होता है। प्रश्न 7 पर आगे बढ़ते हुए, प्रश्न 7 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर है 12। आप जानते हैं कुल सीट है 250, वर्तमान में सीट है 245,
250 हो चाहे 45 हो, राष्ट्रपति को नियुक्त करने हैं 12। प्रश्न 8, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है, किसका मुखिया है? केंद्रीय सरकार का। ठीक, अब थोड़ा सा बड़ा सा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 15 मार्च 1950 को। जैसे पहले बता दिया, यह प्रश्न 2005 का है और 2005 में योजना आयोग चल रही थी, और उस वक्त योजना आयोग से एक प्रश्न तो हमेशा पूछा ही जाता था, तो स्थापना का वर्ष पूछा गया था उस वक्त। लेकिन अभी हम जानते हैं कि योजना आयोग खत्म हो गई है अगस्त 2014 में, और उसके जगह पे नीति आयोग का गठन हो गया है 1 जनवरी 2015 को। तो अब हम योजना आयोग की जानकारी हासिल नहीं करेंगे, हम उसके जगह पे नीति आयोग की जानकारी हासिल करेंगे। आप जैसे कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, वैसे ही नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। ये वर्तमान में दोनों अभी हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है नीति का फुल फॉर्म, तो नीति का फुल फॉर्म याद रखें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न 10, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, इन दोनों को हमारे मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट्स को अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्राप्त है मौलिक अधिकारों को लागू करने का, कराने का। इसके लिए क्या करते हैं दोनों, सुप्रीम कोर्ट और जो वो हाई कोर्ट्स हैं, ये करते हैं रीट जारी। 5 तरह के रीट होते हैं जिनको जारी कर देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इन 5ों रीटों के माध्यम से, आज्ञा पत्रों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जो हमारे देश के हैं, ये हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षण करते हैं। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो जब भी पूछा जाएगा मौलिक अधिकार संरक्षक कौन है, इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 11 है पंचायती राज पर। पढ़ता हूँ प्रश्न, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? देख लीजिए, सिफारिश किया और फिर पंचायती राज की स्थापना हो गई, तो समिति बहुत इंपॉर्टेंट होगी डेफिनेटली। समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, और अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता ही। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर ही पंचायती राज की स्थापना हुई हमारे देश में। अगला प्रश्न भी पंचायती राज पर ही है, और विस्तार से देख लेंगे दोनों को जोड़ते हुए, लेकिन अभी इसको कवर करते हैं। देखिए, पंचायती राज के जो गठन हुआ था, जो समिति बनी थी बलवंत राय मेहता जी की समिति, 1957 में इसका गठन हुआ था। रिपोर्ट इन्होंने दिया था अपना 1958 में, और इन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। सिफारिशें ध्यान से देख लीजिए, त्रिस्तरीय पंचायत की राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पहले पे ग्राम पंचायत, दूसरे पे पंचायत समिति, और तीसरे पे जिला परिषद चाहे जिला पंचायत। तो कहा कि ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और बाकी जो दो हो गए इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। यह भी सिफारिश थी बलवंत राय मेहता समिति की। जो जिला पंचायत है, इसका अध्यक्ष बना दिया, अनुशंसा करी कि इसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होना चाहिए। साथ में कहा गया कि वित्तीय संसाधन भी पंचायतों को देना चाहिए ताकि ये अपना दायित्व निभा सकें ठीक से। तो ये सब मुख्य सिफारिशें थी, लेकिन प्रश्न का उत्तर हुआ बलवंत राय मेहता समिति। कब गठन हुआ था, कब अनुशंसा दी, अनुशंसा क्या थी, आपने एडिशनल देख लिया। अब प्रश्न 12 भी इसी पर है, पंचायती राज व्यवस्था पर ही है। दोस्तों, अभी पार्ट 6 प्रस्तुत किया जा रहा है। हर पार्ट में पंचायती राज प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं प्रश्न क्या है। भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान, और फिर ब्लैंक किया हुआ है में आरंभ की गई। पहले राजस्थान में हुआ तो दूसरी बार कहाँ पे हुआ, इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश में। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत कर दी, किंतु
पहला तो हमें याद रहता है, दूसरा कब हुआ, दूसरा 1 नवंबर 1959 को उसी साल शुरू हो गया आंध्र प्रदेश में। अब थोड़ी अधिक जानकारियाँ हैं, अधिक जानकारियाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है यह 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है हमारे संविधान में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो 1992 में ये हुआ था, इसके तहत हमारे संविधान के भाग 9 के 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया पंचायत को। पंचायत संविधान में कहाँ पर है, तो भाग 9 के 11वीं अनुसूची में है और यह जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ उसके माध्यम से। यह संविधान संशोधन हुआ LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर, जिसका गठन हुआ था 1986 में। सिफारिश किया LM सिंघवी ने कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था है लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप देना चाहिए, तो इनके सिफारिश पर ही 73rd अमेंडमेंट हुआ था। थोड़ी अधिक जानकारी यह भी है कि लॉर्ड रिपन को हम कहते हैं हमारे देश का स्थानीय स्वशासन का जनक, आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इस पाठ में 12 प्रश्न थे, आशा है ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।